खाना खाने के बाद सबने सोचा गांव चलते हैं घूमने। तभी समीर के पापा ने उन्हें फिर से याद दिलाया, उस महल के तरफ मत जाना। ये सुन के सब उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगे। तभी शिवाय ने पूछा, ऐसा क्या है वहाँ अंकल जो सब वहाँ जाने के लिए मना कर रहे। तब राम किशन जी ने उनके कहा, यह आओ मैं बताता हूँ तुम्हें। सब उनके आसपास जाके बैठ गए। तब राम किशन बोले, कुछ दिनों पहले पास के गांव में सरपंच के इकलौते बेटे की शादी थी, वो भी तुम्हारी तरह शहर से आया था, लेकिन शादी के एक दिन पहले वो और उसके साथ आए हुए उसके दो दोस्त बिना किसी को बताए उस महल की तरफ चले गए, क्योंकि उन्हें पता था बता के वो जा नहीं सकते थे। समीर और सारे उसके दोस्त राम किशन की बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने कहा, फिर क्या हुआ। तभी राम किशन ने जारी रखते हुए कहा, सब शादी की तैयारी में बिजी थे, तब किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर जब पता चला कि उनका बेटा और उसके दोस्त घर पे नहीं है, तो सभी उन्हें चारों तरफ ढूंढने लगे। जब वो कहीं नहीं मिले तो सबने उस महल की तरफ जाने के लिए रुक किया, और जब गांव वाले और सरपंच वहां पहुंचे तो सबके होश उड़ गए। राम किशन ये बोल के कुछ देर रुके, फिर बोले, उस महल का बाहर का गेट उन्होंने खोल दिया था और वहीं पे उनमें से एक की लाश पड़ी थी, और जब सब आगे बढ़े थोड़ा तो एक और लाश ये देखते सब जम गए, लेकिन वहाँ सरपंच का बेटा वहाँ नहीं था, तो सब इधर उधर देखने लगे। तभी उनकी नज़र बाहर के गेट के ऊपर गई, सरपंच के बेटे मोहन की लाश लटकी पारी थी। ये सुन के सरे एक दूसरे की शकल देखने लगे। तभी करण ने कहा, उनकी मौत कैसे हुए। राम किशन ने ये सवाल सुन के उसके तरफ देखा और बोले, पता नहीं। ये सुन के सब और हैरान हो गए। तब राम किशन ने बोला, ये तीनों हमें इसलिए मिल गए क्योंकि सब वहां जल्दी पहुंच गए थे, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो उनकी लाश भी बाकियों की तरह गायब हो जाती। ये सुन के रिया बोली, ऐसा क्यों। तब राम किशन जी बोले, जब सालों पहले वो महल खुला था तब जब भी कोई वहां जाता उसका कोई पता नहीं चलता, ऐसे ही बहुत से लोग गायब हो गए और आज तक उनकी लाश तक नहीं मिली, और फिर सब उस महल को भूतिया महल कहने लगे। जब ये सिलसिला बंद नहीं हुआ तो उस महल को बंद करने के लिए एक सिद्ध पुजारी जी को बुलाया गया था। उन्होंने पहले महल के अंदर के गेट को अपनी मंत्रों की शक्ति से बंद किया और फिर बाहर के गेट को मंत्रों से बंधा गया था, और गांव वालों ने ताकि वहां कोई ना जाए इसके लिए उसके बाहर के गेट को जंजीरों से बांध दिया। लेकिन सरपंच के बेटे और उसके दोस्त ने बाहर का गेट खोल दिया और देखो क्या हुआ। सोचो अगर अंदर का गेट खुलेगा तो क्या तबाही आएगी। ऊपर से वो पुजारी जी भी यहाँ नहीं है, इसलिए मैं तुम सबको चेतावनी दे रहा हूँ, वहाँ भूल से भी मत जाना। मैं नहीं चाहता तुम सबके साथ ऐसा कुछ हो। बाकी तुम्हें गांव घूमना है घूम सकते हो। फिर राम किशन समीर की तरफ देखते हुए बोले, समीर शाम को 7 बजे से पहले घर वापस आ जाना। समीर ने अपना सर हां में हिलाया और वहां सरे दोस्तों को छोड़ के चले गए। उनके पीछे समीर की मां भी उन्हें ध्यान रखना बोल के चली गई। कुछ समय बाद सारे दोस्त तैयार होके गांव घूमने के लिए चले गए। शिवाय के पास एक कमरा भी था जिसे वो हमेशा लेके ही बाहर जाता था ताकि अच्छी अच्छी तस्वीरें ले सके। सब आराम से गांव में घूमने लगे। करण तो जैसे किसी सोच में था और वो महल के बारे में ही सोच रहा था।
शिवाय अलग अलग जगह की तस्वीरें क्लिक कर रहा था और दोनों लड़कियां अपनी बातें करते करते सबको सब कुछ देख रही थी और समीर सबको गांव के हर हिस्से में लेके जा रहा था। जब वो चल ही रहे थे कि उन्होंने एक भव्य महल को देखा जो बाहर से बहुत सुंदर था। उससे देख के सब वही रुक गए और तभी सावी ने बोला, ये वही महल है ना जिसके बारे में सब बातें कर रहे थे। तभी रिया बोली है, यार ये अभी इतना सुंदर है तो सोचो जब ये बना होगा कितना सुंदर होगा। सब इतने बड़े महल को देख के दांग रह गए थे क्योंकि राम किशन ने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी भी। तो समीर बोला, चलो यार यहाँ से शाम होने वाली है, हमें घर भी पहुँचना है 7 बजे से पहले। जब सारे वहाँ से जाने के मुड़े ही थे कि एक तेज हवा आई और आसपास की मिट्टी उड़ने लगी। ये देख समीर बोला, चलो यार यहाँ से यहाँ रुकना ठीक नहीं है, पता नहीं अचानक से इतनी तेज हवाएं क्यों चलने लगी। सारे अपने आँखों को ढकते हुए वहाँ से जाने लगे। तभी एक तेज हवा का झीका आया मानो जैसे उन्हें उड़ा के ले जाए। तभी शिवाय ने सबको कहा, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। जब सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा तो वो हवा शांत हो गई। जब सब ये सोच रहे थे कि ये क्या था, तभी कोई अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। वो सावी थी जिसका हाथ शिवाय ने पकड़ा हुआ था, जिससे सावी के गाल शर्म से लाल हो गए। तभी समीर ने कहा, हमें यहाँ से निकला चाहिए। सब वजह से वापस समीर के घर की तरफ जाने के लिए मुड़े। तभी शिवाय के कानों में हिस की गहरी आवाज आई, फिर एक फुसफुसाती हुए आवाज आई, तुम आ गए। जब शिवाय ने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तभी सावी बोली, क्या हुआ तुम्हें। शिवाय ने कुछ नहीं बोला और सबके साथ घर जाने के लिए निकल गए। वही अंधेरे में एक परछाई उन्हें जाते हुए देख रही थी। अचानक वो परछाई गायब हो गए और वहाँ सब पहले की तरह हो गया मनो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जाते हुए सावी चुपके से शिवाय को ही देख रही थी। ये देख के रिया बोली, यार कब तक ऐसे छुप छुप के देखेगी, बोल दे उसे कि तू उसे पसंद करती थी। तभी सावी हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इस पर रिया मुंह बनाते हुए बोली, मुझे ना बता क्या है और क्या नहीं, मुझे सब पता है। कॉलेज के टाइम से तू सिर्फ शिवाय को पसंद करती है, उसके चक्कर में तो तूने एक भी बॉयफ्रेंड तो क्या किसी लड़के से बात तक नहीं की। समीर और करण को छोड़कर बोल तो मैं बता दूँ शिवाय को। और रिया ने शिवाय को पुकारते हुए कहा, शिवाय। वर्टिकल बार ये सुन के सावी उसके मुंह को बंद करते हुए बोली, ठीक है अब चुप हो जा, मैं खुद बता दूंगी उसे। शिवाय ने रिया की तरफ देखकर बोला, क्या रिया क्या हुआ। रिया बोली, वो अभी रिया कुछ बोलती उससे पहले सावी ने रिया को घूरते हुए कहा, वो रिया बोल रही थी उसे भी आज की फोटो भेज देना जो तुमने ली है, उसे अपने ब्लॉग के लिए वो चाहिए। और रिया को देखते हुए बोली, है ना रिया। रिया मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मुझे यही कहना था। शिवा कहा, ठीक है वापस जाके तुझे दे दूंगा। इसके बाद सब बातें करते करते समीर के घर की ओर चल दिए। आखिर किसकी थी वो परछाई, क्या शिवाय का कोई रिश्ता है उस महल से, जानोगे आगे की कहानी में। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट लाइक करके जरूर बताएं और सपोर्ट करें ताकि मैं इस कहानी को और इंटरेस्टिंग बना सकूं। थैंक यू। और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो।